मेरे राम 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 मेरे राम, मेरे राम 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 मेरे राम। नमस्कार, एन भारत में आपका स्वागत है। प्राण प्रतिष्ठा का वो दिन, ऐतिहासिक दिन आज आ गया है। आज पीएम नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान करेंगे और भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। और इसी खबर पर हमारे विशेष संवाददाता मनीष टीएन मनीष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अयोध्या से सीधे। मनीष जी, क्या माहौल है अयोध्या में इस समय, क्या कुछ दिखाएंगे आप हमें? देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम प्राण प्रतिष्ठा समारोह की जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का मंदिर है उस परिसर के अंदर है, क्योंकि मीडिया को अभी तो अलाउ किया गया है परिसर तक। मैं आप कैमरामैन साथी से चाहूंगा कि आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से, ये जो है ये अमावा राम मंदिर, राम रसोई, हनुमानगढ़ी का रास्ता, ऊपर आप देख सकते हैं शिखर दिख रहा है, श्री राम लिखा हुआ ये। और आगे अगर हम चलें तो मैं चाहूंगा सुमित दिखाइए आप अंदर जो भव्य मंदिर की जो पूरी इमारत है और जो भव्यता है वो दिखाइए। और आप देख सकते हैं कि भक्त लगातार धीरे धीरे आ रहे हैं, चुनिंदा भक्त अभी तो व्यवस्था में लगे जो लोग हैं, चित्रकूट से, बांदा से, उरई से, उत्तर प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों से, जिनको राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बुलाया है, व्यवस्थक दृष्टि से उनको बुलाया गया है, तो वो पहुंच रहे हैं। और बाकी जो राम भक्तों का उत्साह राजीव देखते ही बनता है, हम लगातार देख रहे हैं कि हजारों लोगों की यहाँ पर जो है मुख्य द्वार के सामने भी सुबह से ही जो है भीड़ लग चुकी है और वे सभी जो हैं बिल्कुल राममय हो चुके हैं। इस समय ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत राममय है, पूरा अयोध्या धाम तो राममय है ही, इसके साथ ही समूचा देश राममय है। और इस पूरी व्यवस्था को आप देखिए चाक चौबंद बनाए रखने के लिए आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि रैपिड एक्शन फोर्स, एसटीएफ, एटीएस, उत्तर प्रदेश की तमाम जो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और दूसरे जो दल हैं और जो एजेंसीज हैं वो सक्रिय तौर पर लग गई है। और पुलिस के अब से कुछ देर पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भीतरी परिसर में जहां पर वीवीआईपी मूवमेंट आज होना है वहां पर सीधे तौर पर जो है 24 घंटे की, पल पल की, सेकंड सेकंड की निगाहबानी के लिए तमाम तरह के संसाधन यहाँ पर है। और इसके साथ ही जो पुलिस के जो डॉग्स होते हैं उनको भी ले जाया गया है परिसर के भीतर, ताकि किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति ना बने। और इन तमाम स्थितियों को देखते हुए पुलिस ने लगातार मीडिया तक के साथ में इस मामले में बिल्कुल अनुशासित तरीके से व्यवहार करने की बार बार अपील की। और लगातार पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी, मैदानी अमला इस बात को चाक चौबंद करने में राजीव लगा हुआ है कि इतने बड़े समारोह में जिसमें दुनिया भर के सनातनियों की जिस पर निगाह थी कि हम कब रामलला को देख पाएंगे, खास बात लोगों का जो उत्साह है वो इसलिए भी देखते बन रहा है कि अब तक हमने अपने राम जी को एक बड़े स्वरूप में देखा है, ऐसे स्वरूप में देखा है जिसमें जी 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 बहुत सारे साधु संत भी पहुंच रहे हैं। राम भद्राचार्य ने भी बहुत प्रसन्नता जताई है और बताया कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं। और साध्वी रितंबरा की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि त्रेता युग में दिवाली हुई थी जब राम भगवान आए थे वापस, और अब महादिवाली का अवसर है। क्या कुछ कहेंगे उस भव्यता को लेकर जो साधु संत बयां कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि हम जो है कल ही कारसेवकपुरम भी गए थे और इस पूरे मामले में 1992 का जो घटनाक्रम था उसमें जो पांच प्रमुख किरदार थे उसमें से एक पूर्व सांसद, वर्तमान में महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयवान सिंह पवैया जी, जो कि नृत्य गोपाल दास जी के, महंत नृत्य गोपाल दास जी के परम शिष्य हैं, जो कि अध्यक्ष हैं, महंत नृत्य गोपाल दास जी अभी अस्वस्थ हैं इसलिए उनसे हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन इनके जैसे जो तमाम लोग हैं, जैसा आपने जिक्र किया, साध्वी रितंबरा जी का जिक्र किया, राम भद्राचार्य जी का जिक्र किया, ये जो है ये जो पूरा का पूरा जो संत मंडल है उनके लिए इस समय एक बात और इमोशन से जुड़ी है कि वो तमाम कार सेवक जो
वीर गति को इस पूरे अभियान में प्राप्त हुए थे उनको लेकर, और अशोक सिंघल जी को भी बहुत मिस कर रहे हैं पूरे लोग। और इसके साथ ही ये बात पर प्रसन्नता जता रहे हैं इस बात पर कि कलयुग में इस तरह की स्थिति आखिर में आई है और सनातन जो है वो एक नए दृष्टिकोण को लोगों के सामने अपने दृष्टिकोण को रख रहा है। और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा राजीव, क्योंकि युवाओं में भी खासा उत्साह है, जबकि हमारे यहाँ ये कहते हैं कि हम आधुनिक हो चले हैं, संस्कृति को युवा छोड़ रहे हैं, भूल रहे हैं, हम पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ देखते हुए ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगा। लगातार जो युवा है पूरी जोश से भरे हुए हैं और राम भक्ति में लीन है। बिल्कुल मनीष जी, जिस तरह की तस्वीरें हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो राम भक्त हैं अलग अलग जनपदों से जो आ रहे हैं पहुंच रहे हैं, उसके अलावा भी राम भगवान के लिए भेंट भेजी है लोगों ने, अलग अलग तरह की चीजें भेजी है, 400 लोगों का ताला भेजा है, किसी ने 10,000 कंगन भेजे हैं फिरोजाबाद से। इस पे आप क्या कहें, किस तरह की भेंट वहां पहुंच रही है? देखिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर स्थिति ये हो गई है कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी मना करना पड़ रहा है, इतना ज्यादा उत्साह लोगों में है। अगर मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात से आपको बता दूं कि 35,000 किलो से भी ज्यादा फूल कुछ उत्साही युवा यहाँ पर लेके पहुंचे थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की और उसके बाद इस पूरे परिसर में जिस तरह से फूलों की सजावट में चाहूंगा कि दिखा दें, लेकिन चूंकि यहाँ पर अभी हमें तो यहाँ फूल जो है कम मात्रा में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फूलों की सजावट यहाँ का जो मुख्य द्वार है उसमें सीधे तौर पर इतने सुंदर तरीके से लिखा है और हजारों लाखों कुंटल फूल इस पूरे अयोध्या धाम में है। ऐसे अलग अलग युवा है जो कोई फूल लेकर के आ रहा है। एक उदाहरण और दूंगा, यवतमाल से एक पूरी की पूरी टीम आई हुई है, उसने एक एक मुट्ठी अनाज अपने घर से, गांवों से, मोहल्लों से और राज्य के उस तालुके से, मतलब उस जिले और तालुके से अनाज हर घर से लिया, लोगों ने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया। 7,000 से अधिक लोगों का भंडारा प्रतिदिन वहां पर इस तरह से चल रहा है और इसे बनाने के लिए किसी कारीगर की आवश्यकता नहीं लगी है, इसमें सारे राम भक्त मिलकर के राम प्रसाद लोगों को खिला रहे। ऐसे नजारे अयोध्या में है और इस समय अयोध्या धाम जो है। मनीष जी आपने जानकारी दी, आपसे हम लगातार संपर्क में रहेंगे और अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे कि किस तरह का माहौल है अयोध्या में। हम आपसे फिर संपर्क करेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए एन भारत। मेरे राम 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 मेरे राम।